अल्लाह ने हमें एक चांद सा बेटा दिया है, अब दुआ है कि वो हमें एक बेटी भी दे दे। कैप्टन साहब आप ना सर आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या तो हम आपकी वाइफ को बचा सकते हैं या तो हम आपके ट्विंस को बचा सकते हैं। प्लीज़ रिलैक्स करने की कोशिश करें सर। डॉक्टर साहब आप खुदा का वास्ते मेरी बीवी को बचा लें। प्लीज़ हौसला रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मरीम कहाँ है? सर हौसला रखिए, उनकी ये मर्जी। आपके बेटे को कंसीव करने का प्रोसेस अभी जारी है। आईने से पूछता हूँ करूँ क्यों फैसले नादान से, चुनूं क्यों रास्ते वीरान से, हटे वो काफले बेनाम से, मिटे फासले गुम नाम से। क्या पापा आप रोज मामा की पिक्चर देखते रहते हैं? चलो बेटा जल्दी से नाश्ता तैयार करो, हम लेट ना हो जाए। जी पापा मुझे पता है, और मैंने आपके कपड़े पहले ही प्रेस कर दिए थे। और हाँ याद से आज आपने जल्दी घर आना है, आज हमारी बर्थडे है। जी जी मेरी शहजादी मुझे पता है, चलो अब नाश्ता बनाओ जल्दी से। पापा आपको पता है आज मेरी ट्रेनिंग करवाएंगे, और आपको क्या पता कितनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग। और तुम्हें क्या लगता है पापा ऐसे ही कर्नल बन गए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया? तो पापा आपने ये सब ट्रेनिंग किए हैं? हाँ जी बेटा, सब आर्मी वालों को सेम ही ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ जी कर्नल साहब आपका नाश्ता रेडी है। वाह बेटी तुम तो वाकई कर्नल की बेटी निकली, तुम्हारे भाई तो मुझे बहुत सुस्त लगते हैं। हाँ हाँ हमारी बहन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नहीं जी इनसे ज़्यादा तो मैं एक्टिव हूँ, कभी आप आना ना मेरी फुटबॉल एकेडमी में। अच्छा तो आप कैसे माने? नहीं मैंने ब्रेड खानी है। अच्छा तो भाई मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको लगे कि मैं एक्टिव हूँ? अच्छा तो इतने एक्टिव हो तो जाओ बर्तन लेकर आओ, वहाँ से देखता हूँ कितने एक्टिव जाता हूँ। इसमें क्या है, तुम लोग ना इसको हरत उल्लू बनाते रहा करो। हमजा भाई तो हमेशा ऐसे करते हैं, उस दिन कहते हैं कि मेरा नाम मैं और तुम्हारा नाम तुम, पागल मैं या तुम। सही पजल करते हैं इसको। ताई फातिमा यार मेरी टाई किधर है? और आंखें घुमाओ उधर ही तुम्हारी कब्र में पड़ी हुई है। फातिमा बेटा मेरी घड़ी किधर है? ओ पापा आप रोज भूल जाते हैं, तकिए के नीचे पड़ी हुई है। फातिमा मेरे जॉगर्स किधर है? हमजा भाई आपके शूज बेड के नीचे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं पेइंग गेस्ट। ये कमरा है, ये बेड है सही, और ये वॉशरूम है। यार कमरा तो ठीक है, पसंद आया आपको? पसंद आया। अच्छा आप करते क्या? यार दरअसल मैं करता हूँ कॉल सेंटर में जॉब, नाइट शिफ्ट है उसकी। यहाँ जल्दी में मेरा आज फिजिकल टेस्ट है। और जनाब किधर सुबह सुबह? बस मॉर्निंग वॉक और ताज़ी हवा के मजे। गुड हो गया, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं जा जल्दी में। चलें ठीक ओके। हाँ जी कर्नल साहब आपका नाश्ता रेडी है। जी पापा मुझे पता है, और मैंने आपके कपड़े पहले ही प्रेस कर दिए थे। ये आवाज़ कैसी है? इसका भाई तो बाहर चला गया था। हमजा को कॉल करता हूँ। हमजा भाई जल्दी से ब्रेड और अंडे लेके आ जाएं, पापा और ऑन लेट हो जाएंगे। ऑन आंखें घुमाओ उधर ही तुम्हारी कब्र में पड़ी हुई है। आज फिर वही हो, ये चल क्या रहा है? यार ये देखो ये क्या हो रहा है। बस यार यही वजह है कि यहाँ पे कोई नहीं टिकता, ये इसके लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन यार ये कर क्या रही है? मैं, मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई, हमारी मामा तो इन दोनों के पैदा होते ही चल बसी थी, लेकिन ये हमारी बहुत प्यारी और लाडली बहन, ये भी हमसे बहुत प्यार करती है। बेटा जी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख। कैसी बातें कर रहे हो? देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन एक दिन 16 दिसंबर को तालिबानों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक कर दिया। मेरा भाई एपीएस में पढ़ता था, वो उस अटैक में मारा गया। पापा कर्नल थे, उनको ऑपरेशन का ऑर्डर मिला, लेकिन उनको भी शहीद कर दिया गया। ये दोनों सदमे मेरी बहन से सहे नहीं गए। बस तब से इसको वो आखिरी दिन 16 दिसंबर का याद रहता है, और इसको रोज़ वही चीज़ें दोबारा करने की आदत है। इसको लगता है कि पापा और भाई हमारे साथ हैं, मैं भी इसका इसी की ज़िंदगी में साथ दे दूँ। अगर मैंने इसका साथ ना दिया तो इसने जीते जी मार जाना है। मेरी सैलरी पर गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने इसलिए सोचा कि कोई गैस खोला, लेकिन अब यहाँ पे कोई गैस टिकता भी नहीं मेरी बहन के हरकतों की वजह से। भाई कहाँ रह गए थे? पापा और ऑन लेट हो रहे हैं, अंडे और ब्रेड मंगवाए क्या आपसे? क्या हुआ है? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस ये घर छोड़ के। नहीं, मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पापा, आप मुझे सुन रहे हैं नहीं, देख रहे हैं नहीं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखता हूँ। पापा, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था। हमें गैस मिल गया बाबा, तो कहता है हमें छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, मेरी परेशानी ख़त्म हुई। और मेरे छोटे भाई, मेरे जान से प्यारे, तुम्हें भी वो बहुत याद करती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आप दोनों पे बहुत फ़ख्र है, और 16 दिसंबर को पूरा पाकिस्तान आपकी कुर्बानी को याद रखता है।